hearing. Like for example, we all know during the old age, patient is not able to hear properly. So there are some tests for hearing so that we can identify patient has got problem in hearing or not. The various tests, that is excessive sensation of the hearing. Like for example, we have a bedside test. अगर आपके पास कुछ सामान नहीं है तो वी कैन डू गो फॉर अ विस्परिंग टेस्ट. मतलब उसके एकदम धीमे आवाज में कैन टॉक टू हिम और हर वेदर इज एबल टू हियर और नॉट. दैट इज हाउ इट इज एन टेस्ट फॉर हियरिंग इज एन नॉर्मल बट दिस इज सब्जेक्टिव एन ऑब्जेक्टिव वे. और वी कैन ऑल्सो वॉच फॉर अ टिकलिंग वॉच टेस्ट. गिव अ रिस्ट वॉच टू हिम और हर एंड आस्क वेदर द रिस्ट वॉच का साउंड तुमको आ रहा है कि नहीं. टिकलिंग ऑफ द रिस्ट वॉच अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव नॉट एन ऑब्जेक्टिव वन. नॉट एन दिस इज एटलीस्ट सम ऑब्जेक्टिव बट इट नॉट दैट मच. बट वी ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्टिव वेज. ऑब्जेक्टिव वेज कॉमनली कॉल्ड एन ट्यूनिंग फॉक टेस्ट. ये अपने को वापस ईएनटी में आएगा. इन फिजियोलॉजी यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम ट्यूनिंग फॉक. ट्यूनिंग फॉक इज द इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस विच हैज गॉट टू प्रॉन्ग्स. ये वाइब्रेट होते हैं विद सम फ्रीक्वेंसी 512 साइकिल्स पर सेकेंड. सो अगेन ये ऑब्जेक्टिव हो गया. मतलब ये तो सुनाई देना चाहिए राइट. दिस इज एन ऑब्जेक्टिव वे ऑफ नोइंग दी हियरिंग डिफेक्ट्स. वी हैव अ रिनीज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट एंड ऑडियोमेट्री. ऑडियोमेट्री इज अ ऑब्जेक्टिव टेस्ट. सो वट एग्जैक्ट इज अ रिनीज टेस्ट. द रिनीज टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं. लेट्स फॉर एग्जाम्पल It is difficult to understand at the on the first year. Let's say, let me talk to you about in a whiteboard. So we have a Rinne's test. We have a Weber's test. It is important for the third year, not right now, because this is an examination. The examination, देखो, first year में नहीं आएगा. But Rinne's test में क्या करते हैं? Let's say, for example, normally जब भी हम लोग सुनते हैं, there are two types of sounds. We are able to hear. I mean to say, we are able to hear because of two techniques. One is called as an air conduction. The other is called as a bone conduction. मतलब, see, this is important for the third year. Let's say, समझ में आ रहा है तो ठीक नहीं तो फिर this is okay. This is what is priming. This is what is like. For example, you are just started your एक्सरसाइज एंड समबडी वॉन्ट्स टू रन अ मैराथन. बट ठीक है, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड. लेट्स से दिस इज व्हाट इज अ पेशेंट एंड दिस आर द इयर्स. व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू द पेशेंट, एयर कंडक्ट्स अ साउंड. एयर गोज टू द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर एंड पेशेंट इज एबल टू हियर. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एयर कंडक्शन. Whereas what exactly happens? Whereas what exactly happens when somebody is talking to you? When somebody is talking to you, this also produces direct vibrations of the skull. Direct vibration of the skull, and that causes hearing. Direct skull be vibrate of that. That is what is called as a bone conduction. तो दो टाइप के कंडक्शन हैं, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन. ऑफ कोर्स नॉर्मली क्या रहता है, एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन क्योंकि ये पावरफुल है, डायरेक्टली साउंड कान के अंदर से जा रहा है. स्कल का वाइब्रेशन इज नॉट दैट पावरफुल, इज नॉट दैट पावरफुल. सो रिनीज टेस्ट में क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी डू इज वी फर्स्ट वाइब्रेट द ट्यूनिंग फॉक एंड आस्क हिम टू हियर थ्रू एन एयर कंडक्शन. और जब भी उसको सुनाई देना बंद हो जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क इज स्टिल वाइब्रेटिंग, वी पुट द ट्यूनिंग फॉर्क का बेस ऑन द स्कल बोन एंड आस्क हिम टू वेदर तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं. नॉर्मली एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन. नॉर्मली एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन. मतलब जब भी उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा एयर कंडक्शन से, उसके बाद में स्कल पे रखने के बाद सुनाई नहीं देना चाहिए. That is what is normal. लेकिन किसी किसी चीज में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये कान है, देयर इज अ वैक्स इन द ईयर, सो एयर कंडक्शन नहीं होगा क्योंकि वैक्स है कान में. वो वाले सिचुएशन में अपने को
बोन कंडक्शन बिकम्स बोथ बेटर देन एयर कंडक्शन. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट मी रिवाइज. एज वी टॉक्ड अबाउट, वी हैव एयर कंडक्शन एंड द बोन कंडक्शन. एयर कंडक्शन इज अ वाइब्रेशन गोइंग इन टू द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, एंड देन यू आर एबल टू हियर. बोन कंडक्शन प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन द स्कल बोन, और वो डायरेक्टली सुनाई देता है इवन विदाउट दिस चैनल. लेकिन नॉर्मली एयर कंडक्शन इज मच बेटर देन बोन कंडक्शन. तो लेकिन किसी किसी में अगर वैक्स है कान में, या तो मिडिल ईयर का कुछ प्रॉब्लम है, तो भी एयर कंडक्शन बिकम्स वेरी लेस, क्योंकि कंडक्शन डजन हैपन. तो वो वाले सिचुएशन में बोन कंडक्शन बिकम्स बेटर देन एयर कंडक्शन. मतलब जब भी हम लोग ट्यूनिंग फोर्क उसको सुनाएंगे एयर कंडक्शन से, वो बोलेगा कि अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. उसके बाद में अगर बोन पे रखते हैं तो वो बोलता है कि अभी सुनाई दे रहा है. दैट मीन्स बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन. दिस इज रिनीज टेस्ट. बुक में कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है. यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर, गूगल फॉर इट, यू कैन फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर. दूसरी जो टेस्ट है वो है वेबर्स टेस्ट. उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करके ये पता चलने के लिए कि कौन से कान में प्रॉब्लम है. लेट्स से वी हैव अ राइट ईयर एंड वी हैव अ लेफ्ट ईयर, एंड वी वाइब्रेट द ट्यूनिंग फॉर्क, और वो मिडिल में रखते हैं स्कल बोन के, और वो उसको पूछते हैं कौन से कान में सुनाई दे रहा है, ये वाले कि ये वाले, राइट और लेफ्ट. सो जो कान में अच्छे से सुनाई दे रहा है वो बोलेगा कि ये कान में अच्छा सुनाई दे रहा है, ये कान में कम सुनाई दे रहा है. दैट इज वॉट इज वेबर्स टेस्ट. हम लोग मिड पॉइंट पर रखते हैं, तो फोरहेड पे रखो, वर्टेक्स पे रखो, लेकिन मिड पॉइंट पे रखो. चिन पे रखते हैं, नाक पे मत रखो, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इज अ सॉफ्ट बोन. सो चिन, फोरहेड, वर्टेक्स किधर, तो मिडिल में रखो, एंड वी कैन फाइंड आउट कि कौन से कान में सुनाई दे रहा है. सो दैट वी कैन फाइंड आउट विच ईयर एज प्रॉब्लमेटिक. जो कान नॉर्मल रहेगा उस पर सुनाई देगा. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज वॉट इज अ वेबर्स टेस्ट. तो ये दो टेस्ट है, और एक ऑब्जेक्टिव है, एक मशीन रहता है. एक मशीन के थ्रू हम लोग उसको साउंड सुनाते हैं इन अ साउंड प्रूफ रूम, और उसको बोलते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं. दैट इज कॉल्ड एन ऑडियोग्राम, बिकम्स एन ऑडियोग्राम. ये तीन टेस्ट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट. वही दिया हुआ है बुक में.